चाहिए। और एक और प्रश्न सर इनका है कि प्रधानाध्यापक को एमडीएम योजना से पूर्णतः मुक्त करना चाहिए, इसे पंचायत स्तर पर मुखिया सरपंच वार्ड की जिम्मेदारी देनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा हाई स्कूल्स में लगाया था और इसके अच्छे परिणाम हैं, और इस हाई स्कूल की या शिक्षा में जो सुधार हुआ है उसको देखते हुए हम लोग अब उसके निचले क्लासेस में, मतलब मोटा मोटी 8, 9, 10, 11 में हम लोग लगाने का प्लान है। इसमें बहुत खर्चा भी आता है, तो योजना है और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको लागू करेंगे। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा था मिड डे मील का। देखिए, हम लोग को ये जानकारी है कि मिड डे मील में जो हेडमास्टर होता है, तो हेडमास्टर का बहुत समय उसका मिड डे मील बनाना, संचालन इसमें लगता है। अब विभिन्न राज्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया और वहाँ देखा कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो अलग व्यवस्था है, मतलब वो हेडमास्टर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो पाठन पाठन में ही इस्तेमाल रहते हैं। इसको हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने 10 जिलों में 2-2 पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट किया है, जिसमें जो हमारे हेडमास्टर हैं उनसे ये हट के अलग से व्यवस्था की गई है जो मिड डे मील का संचालन करेंगे, और हेडमास्टर केवल उन मिड डे मील संचालकों को केवल संख्या, कितने बच्चे आए हैं वही केवल इंगित करेंगे। तो इससे हमको लगता है कि जो हेडमास्टर है, जिसका मूल काम है टाइम टेबल निर्धारण करना, शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करना और समय पर क्लास चल रही हैं, टीचर समय पर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि खाना क्या बना है, आज खाना में क्या बन रहा है, खाने का मतलब कहाँ से सब्जी आएगा, कहाँ से दाल आएगा, कहाँ से मसाले आएंगे। तो मेरा विचार है कि ये सब जो इश्यूज हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। हम लोग अभी पायलट ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके जो आउटकम होंगे और जो भी इसका फलाफल होगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। प्रोजेक्ट का हर कॉपी अलग होता है और यह टीचर को सुनिश्चित करना है कि मैथ्स का क्लास में मैथ्स का कॉपी होगा, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश की कॉपी होगी, हिंदी की क्लास में हिंदी कॉपी होगी, और बाकी जो सब्जेक्ट है साइंस की कॉपी में साइंस की क्लास होगी। लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि एक ही कॉपी में अनेक सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे और होमवर्क भी अनेक सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे, तो हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है। अगले बार जो FLN किट का सेट है उसमें 2 कॉपी एक्स्ट्रा कर दी है, और इस बार हर कॉपी में हम लोग ये स्टिकर लगा के भेजेंगे कि ये किस सब्जेक्ट की कॉपी है, ताकि ऐसा ना हो हिंदी कॉपी में इंग्लिश लिखने लग जाएं, इंग्लिश कॉपी में कुछ और लिखने लग जाएंगे और मैथ्स की कॉपी में कुछ और लिखने। तो उसमें स्टिकर रहेगा कि ये फलाना सब्जेक्ट की कॉपी है और इस सब्जेक्ट की कॉपी में यही आपको लिखना है। दूसरा यह है कि हम लोग जो स्कॉलरशिप भी देते हैं, देखिए हम लोग FLN किट देते हैं, बैग है, सामान देते हैं, मिड डे मील है, इसके अलावा देखते होंगे स्कॉलरशिप भी हम लोग देते हैं। स्कॉलरशिप से ये उम्मीद की जाती है कि जो पठन पाठन में जो अन्य खर्च होता है, या एक्स्ट्रा कॉपी है या एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना है या कुछ खरीदना है, ये स्कॉलरशिप पैसे से किया जाए। तो ये मेरा अनुरोध माता पिताओं से है कि जो स्कॉलरशिप की पैसे आपके अकाउंट में आते हैं उससे बाकी जो शैक्षणिक सपोर्ट है उसमें उसका उपयोग करें। और ये ज़रूर बहुत कठिनाई है, मतलब टीचर्स, मैं ये खातून जी से मैं अग्री करता हूँ कि ये पेरेंट्स को ही अग्री कराना पड़ेगा, मतलब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में बताना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे के पास ये कॉपी नहीं है, खरीद लीजिए। तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग बार बार हम लोग इन्फोर्स करते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है शिक्षा में, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में इन्फोर्स करेंगे कि भाई आपका बच्चा ये कॉपी नहीं लेकर आया है या ये कॉपी का अभाव उसको है, आप उसको खरीद कर दीजिए। 7-8 है, इनको नए सिरे से कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए, और एक कंसोलिडेटेड बुक है जिसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सबका मिश्रण है, और ये एक तरीके से इसको मतलब ब्रिज कोर्स की तरह है कि जो बच्चे छूट गए होंगे या कंप्यूटर ज्ञान से अछूते रह गए होंगे, तो 6-7-8 के जो बच्चे हैं वो सब एक साथ एक ही स्तर का कंप्यूटर ज्ञान कर लेंगे। तो इस साल से हम लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे इसको अब हम नीचे लाएंगे, मतलब 6 है फिर 5 है 4 है, तो ये धीरे धीरे लाएंगे। लेकिन अचानक अब हम, क्योंकि ये 6-7-8 वाले तो बच्चे छूट गए बहुत साल से, तो पहले इसका ब्रिज हम करेंगे और फिर नीचे नीचे लाएंगे। तो इसको इस साल से हम लोग कंप्यूटर ज्ञान पर विशेष ध्यान, उनको ये है कि हर बच्चा जो 8वीं तक पहुंचे उसको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जूनियर क्लासेस में ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे, बट अभी वो स्थिति नहीं है, और
उसमें राशि भी लगेगी। अगर आप प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लाने की बात है तो आपको हो सकता है टैब यूज़ करना पड़ेगा और बच्चों को टैब के माध्यम से कुछ सिखाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे काम करेंगे, बट अभी हम लोग 6, 7, 8 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसका भी एक रोड मैप बनाएंगे कि 5वां क्लास कैसे करें, 4था क्लास कैसे करें। और मैं ये आश्वस्त करूँगा कि जो स्तर का कंप्यूटर ज्ञान है सब जगह, हम लोग 6, 7, 8 में उसको कम्प्लीटली, मतलब वो ब्रिज कोर्स से हम पूरा कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही रूप से बने और जल्दी बने, हम लोग जिला पदाधिकारियों से लगातार मीटिंग करते रहे हैं और उनको यह सुनिश्चित करने के लिए कहे हैं कि सभी बच्चे जितने भी बिना आधार के इनरोल्ड हैं, अभी बिना आधार के भी इनरोल्ड हैं, उनका जल्दी से जल्दी उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उनको आधार इश्यू कराएंगे। और मेरा विचार है कि जितने भी विदाउट आधार इनरोल बच्चे हैं, ये अगले इस नवंबर और दिसंबर में, मतलब आपका आधार हम लोग बनवा लेंगे। तो हम लोग ने छूट दी थी कि बिना आधार भी आप इनरोल हो जाइए। कोशिश में है, ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं, ये एक तो होमवर्क वाला है, क्लास वर्क तो क्लास में ही होता है, दूसरा है कॉपियाँ के बारे में, और फिर FLN किट है, FLN किट भी बहुत। ये एक शैलेश कुमार हैं, PS हुसैन चक मसौढ़ी से हैं, पटना से ही हैं सर ये। ये इनका सवाल है कि शिक्षकों को शिक्षक वाला सम्मान क्यों नहीं मिलता है, क्यों शिक्षकों को कई वर्ग में बांट दिया गया है। हमारा विचार है कि शिक्षक का एक समवर्ग होना चाहिए जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सरकार को अधिक सफलता मिलेगी। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में अगर मेरे ही डिपार्टमेंट में देखें, IAS भी हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग भी हैं, उसका शिक्षा सेवा के लोग भी हैं और अन्य वित्त सेवा के लोग भी हैं और भारत सरकार से बहुत सारे प्रतिनिधि सेवा के, तो कभी भी हम लोग काम करते हैं ना तो ये सब दिखते नहीं कि फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना शिक्षा सेवा का है। देखिए सबका एक उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग को संचालित करना। उसी तरह मेरा विचार यह है कि ये सब भेदभाव जो है ना, ये कागजी भेदभाव है, मतलब ये कागज पे है कि आपका ये फलाना सेवा है, मेरी जानकारी में सबका स्केल एक ही है जी। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए कि आप बैठे, आपका मूल जो उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप क्यों देखना चाहते हैं कि ये फलाना शिक्षक है तो फलाना शिक्षक है, तो ये सब कागजी जो भेदभाव है ना, ये आप भूल जाइए। क्योंकि मैं अगर कार्यालय में यही सब भेदभाव करने लग जाऊं कि ये बिहार प्रशासनिक सेवा का है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का है, ये वित्त सेवा का है या अन्य सेवा का है, तब तो रोज झगड़ा होने लग जाए और रोज एक दूसरे से लड़ने लग जाए। ठीक है, कोई सबका मूल उद्देश्य है शिक्षा में सुधार लाना और शिक्षकों और बच्चों को पढ़ाना।